लॉकडाउन के दौरान एक युवा ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को समय देकर लोगों के सामने एक अनूठी मिसाल पेश की है। युवक के तैयार किए गए खिलौनों को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो सच में ही ये असली वाहन है। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत गवारडू के गाँव कुसवाड़ का युवा पंकज कुमार के हाथों में ऐसी कला है कि कागज लकड़ी के साथ बनाए गए वाहनों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये असली है या नकली। पंकज कुमार ने अपने आंगन में ही मिनी बस अड्डा बनाकर HRTC की बसों को स्थान दिया है, तो ट्राला, टैंकर, टिप्पर, ट्रैक्टर, घर, मंदिर भी बनाए हुए हैं। पंकज कुमार की माने तो पंकज को बचपन से ड्राइंग का काफी शौक रहा है और जब भी समय लगता तो ड्राइंग पर हाथ आजमा लेते थे। और इस समय पंकज बद्दी में निजी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण घर आना पड़ा था, जिसके चलते घर में बेकार बैठने की बजाय पंकज ने बसें, ट्राला, टैंकर, टिप्पर, ट्रैक्टर, घर, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। पंकज की कलाकारी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि पंकज के हाथों से तैयार की गई गाड़ियों में असली गाड़ियों की झलक दिखती है। पंकज कुमार ने बताया कि खिलौना गाड़ियों को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और गाड़ियों में असली गाड़ियों की तरह ऑटोमेटिक लाइटें लगाई गई, तो खिड़की से लेकर दरवाजे भी हूबहू असली गाड़ियों की तरह लगाई गई हैं। पंकज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मन में विचार आया कि गाड़ियों को तैयार किया जाए और इसी शौक के चलते एक दर्जन गाड़ियों को बनाया है। उन्होंने कहा कि फेसबुक के माध्यम से इन गाड़ियों की मार्केटिंग की गई, जिस कारण लोगों ने गाड़ियां खरीदने के लिए फोन भी किया है। सर, ज्यादा कुछ नहीं, लॉकडाउन की वजह से मैं घर में फंसा हुआ था। 28 दिन घर पे व्यतीत करने में थे, होम क्वारंटाइन। उस चक्कर में घर में टाइम तो पास करना था, उसके लिए मैंने गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। बाकी 1 महीना मैं बद्दी में रहा, वहाँ भी बिल्कुल बद्दी सील था, तो वहाँ भी टाइम पास करना था, तो टाइम व्यतीत करने के लिए मैंने लॉकडाउन में गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। बाकी पहले भी मैं गाड़ियाँ बनाता था, फेसबुक के माध्यम से मेरे को गाड़ियों के ऑर्डर आते थे। तो पंकज, क्या आपने जो ये जो कला थी, आपको क्या बचपन से शौक था इसका? हाँ जी सर, 10th क्लास से ड्राइंग का शौक था। फिर मैं दिल्ली चला गया, 5 साल वहाँ लगाई, मतलब टाइम पास करने के लिए, जब खाली टाइम होता था तब इस करने के लिए कुछ ना कुछ बना। गाड़ियों के अलावा क्या क्या बनाते हैं और आप? सर, होम, मंदिर। गाड़ी बनाने के लिए 1 या 2 दिन लग जाते हैं, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। सामान वगैरह कहाँ से परचेज करते हैं? सामान यहाँ दुकान में मिल जाता है और हमीरपुर में, हमीरपुर से लाना पड़ता है। किस चीज़ से आप ये गाड़ी बनाते हैं? सर, गत्ता है और पेपर स्टिकर। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बस सर, ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा ना करें और घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ करें। पंकज की माता मीना देवी ने अपने बेटे के काम पर खुशी जाहिर की और कहा कि पहले तो लगता था कि खिलौने बनाना ठीक नहीं लगता था, लेकिन जब खिलौने बनाने के बाद लोगों की डिमांड आने लगी तो लगा कि अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि जब बद्दी में नौकरी में चले जाते हैं तो लोगों की डिमांड आने पर घर से खिलौने उपलब्ध करवाए जाते हैं। और मैं तो ऐसे कहूंगी, जब बच्चे कोई ऐसे बेले बैठे फ्री में है, वो ऐसा ही काम करते रहे तो आपका रोजगार भी बना रहेगा। और पहले तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि ये काम नहीं, कोई काम नहीं, ऐसा काम मत करा करो। फिर मेरे को, फिर जब इनको ऑर्डर उड़ आने लगे तो मेरे को भी अच्छा लगा कि ये काम सही है। जब ये बद्दी में होते हैं जॉब के लिए चले जाते हैं, उसके बाद भी लोग आपसे कंफर्म करते हैं? जो इसने मेरे से नहीं करते, इनसे करते हैं, जो घर में बना होता है, फिर कोई आके ले जाता है ऐसे ही। फिर फोन के माध्यम से मेरे को कह देते हैं कि ऐसी ऐसी गाड़ी रखी है घर में, वो भेज दो, फिर ले जाते हैं घर से आके। गौरव कुमार ने बताया कि भाई पंकज के द्वारा बढ़िया गाड़ियां बनाई जाती हैं और फेसबुक पर पोस्ट डाली जाती है और जैसे ही डिमांड आती है तो वहां पर भेजा जाता है। पंकज के भाई दिनेश ने बताया कि खिलौने वाली गाड़ियां बनाने पर बहुत खुश हैं और जैसे PM मोदी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ करना चाहिए, तो ऐसा ही भाई ने किया है। हाँ जी, मेरे भाई जो बहुत बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं, तो जो ऑर्डर आते हैं हम फेसबुक के पोस्ट करते हैं, जो ऑर्डर आते हैं उसको मैं ही इनको डिलीवरी करता हूँ वहाँ पे हमीरपुर में जाके, जहाँ भी कहीं देनी होगी। और बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं ये भाई ने अच्छा ही बोला कि हाँ, ना सिक्योर और नहीं जाना चाहिए, और जो है वो अपनी अपनी कलाकारी दिखाना चाहिए, जो भी आपके अंदर हुनर है वो बताना चाहिए। सर, हमें अच्छा लगता है वो गाड़ियाँ बनाते हैं, और लोग ज़्यादातर पूछते भी हैं भाई आपके भैया बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, और ये सही बात भी है, जो भी
फ्री टाइम है उसको कहीं ना कहीं यूज करें, क्योंकि तो मोदी जी ने भी अभी आत्मनिर्भर की बात कही है, तो युवा खुद आत्मनिर्भर होगा तो भी हम कुछ आगे कर पाएंगे।